सही सही से सफा करो, प्रैक्टिस कर लो। इंशाल्लाह लव मैरिज में यही होता रहता है, कभी तुम बनाओगे कभी वो बनाएगी। इसमें जो मज़ा है, इस कटी हुई प्याज में जो मज़ा है ना, ये 5 स्टार के होटल में नहीं मिलता है। चिकन लेग पीस बदरंग बनवा चना था मैं अमृत तुम्हें अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पब्लिक क्या हाल है, ठीक ठाक? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो बहुत से लोग वीडियोस में कमेंट करते हैं कि भाई ब्लॉग ब्लॉग बनाया करो। भाई जब हम घर से निकलते ही नहीं है, बूट कैंप से निकलते नहीं है, तो ब्लॉग किस चीज़ का बनाए ना? तो ब्लॉग में कुछ इन्फॉर्मेटिव चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी फोटेज या वीडियो चाहिए जो कि पब्लिक को लाइक करने सब्सक्राइब करने पर मजबूर कर दें। सो आ चुके हैं एक नए ब्लॉग के साथ। और यू नो मैं तो बनू में रहता हूँ, फिर बनू से कल आए हैं गुवाहाट, और यहाँ पे हमारे दोस्त हैं, ये शकील भाई हैं जो कि हमारे 9-10 के क्लास फेलो है और सबसे नालायक ये हमारे क्लास फेलो हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं, और ये जो है हमारे क्राइम पार्टनर साहब हैं जो कि हमारी हर गुनाह में ये भी मुलविस हैं। तो अभी निकल चुके हैं और रास्ता, ये जो इलाका है ये गुवाहाट के नज़दीक है, दाना खुला उसको कहते हैं पश्तो में, और थोड़ी अच्छी सी लोकेशन है, इतनी भी खूबसूरत नहीं है लेकिन गुवाहाट के लिहाज से बहुत अच्छी है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये काले कपड़े का क्या सीन है? भाईजान हम पतले लोग हैं, हमारे 15-20 किलो वज़न है, तो हम काले कपड़े पहने या फिर ना पहने फ़र्क नहीं पड़ता, सूरज हमारे सर के भी ऊपर आए तो हमें गर्मी नहीं पड़ती है। फिर बहरहाल मौसम कुछ इस तरह है, हमने कहा चलते हैं आउटिंग के लिए। सो आज आपका भाई ब्लॉग बनाने आए हैं, तो ब्लॉग में कुछ गलतियाँ चलती होंगी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और हाँ, अभी तक आप लोग आ चुके हैं और आपने वीडियो लाइक नहीं की है, सो आप बहुत गलत कर रहे हैं। और मैंने पिछली वीडियोज़ की रिज़ल्ट देखी तो उसमें बताया जा रहा था कि मेरी 50% जो ऑडियंस है वो नॉन सब्सक्राइबर है, वो चुपके से वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्या जाते हैं सब्सक्राइब करने? तो भाईजान हम 100 कह के बहुत क्लोज हैं, तो कर दो यार। भाई साहब हमें पता नहीं है, अजीब अजीब सी जगह नज़र आ रही है पहली बार हमें, हालांकि हमारे गुवाहाट हमारी एरिया से बहुत ही नज़दीक है, लेकिन पता नहीं हमने ऐसी जगह क्यों नहीं देखी है। ये व्यू तो चेक करो, हालांकि इतनी ठंडी नहीं है, बहरहाल दिल बाग बाग हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह। और ये टूटा हुआ पुल है, या अल्लाह खैर, ये तो बस मरने वाला है। ओह माय गॉड, माशाल्लाह तकरीबन 30-35 मिनट का सफ़र करते हुए यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, और यकीन मानिए वल्ला मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि हमारे यहाँ गुवाहाट के नज़दीक इलाका है ये आता है, औरंगज़ई में, ज़िला औरंगज़ई में, लेकिन बहुत कम है, 30-35 मिनट का सफ़र हमने किया, लेकिन वल्ला ये व्यू आप देखिए, और यहाँ पर जो माहौल है और यहाँ पर जो ठंडी हवाएँ हैं, रियली अनबयान है। और नीचे आपका भाई ये पानी से बहुत प्यार करने वाला है, तो हम थोड़ा आगे जाएंगे क्योंकि उमर भाई ने, मैंने कहा थोड़ा यार फुटेज ले लेते हैं, पब्लिक के लिए अच्छी फुटेज चाहिए, तो लेट्स गो। उमर भाई अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है, और लाइक मैं पहली बार आया हूँ, 20-22-23 साल हुई हैं हमारे घर के नज़दीक था। भाई ये तुम कैसे ड्राइवर हो, ये छोटा सा पुल नहीं क्रॉस कर सकते हो? शाबाश, देखते हैं क्रॉस कर सकते हैं, बड़ा सा पुल है यार।
स्टार्ट। सही सही से सफा करो। तो यहाँ पे इस टमाटर मटर कट हो गया है, ओके वो हम अभी तैयार हैं। प्रैक्टिस कर लो, इंशाल्लाह लव मैरिज में यही होता रहता है, कभी तुम बनाओगे कभी वो बनाएगी। शकील भाई, am I right? You are 100% right. सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे सुकून बहुत है, माहौल बहुत अच्छी है। यहाँ पे कैमरा नहीं घुमा सकते क्योंकि वहाँ पे जो है फैमिलीज वगैरह आ चुकी है। हमारे पास तो फैमिली नहीं थी, हम चार पांच बंदे हैं। इंशाल्लाह जब हम शादी वादी कर लेंगे, बच्चे मच्चे होंगे, फिर फैमिली भी लेके आएंगे, दो बच्चे पैदा कर लेंगे। हाँ जुड़वा जुड़वा, हाँ दो दो, सही दो दो। तुम अपना उस पर ध्यान दो, मैं अपने उस पर ध्यान देता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि वल्ला मुझे नहीं पता था कि हमारे साथ नज़दीक इतनी खूबसूरत जगह है जहाँ पे हम आउटिंग कर सकते हैं। ये 38-40 डिग्री सेंटीग्रेड में हम दो दिन मैंने गुजारी है, दिल भर चुका है। सो यहाँ पे आके थोड़ा पीस है, सुकून है और प्यार है। स्पाइसी करो बहुत ज़्यादा। और अभी वह चिकन वो तैयार हो रहा है, इंशाल्लाह आखिरी जोन है। तो जैसे हम नहीं सॉरी स्टार्ट जोन है, स्टार्ट जोन है, इंशाल्लाह आखिरी जोन में जब चिकन डिनर हो जाएगा हम आपको दिखाते रहेंगे। एक प्याज दे दो, दो दो तीन मरचकी दे दो, मैं आपको स्पेशल चटनी बनाता हूँ। एक टमाटर दे दो ना, लगा वो के खलक डर चाहिए आगा सही रहे आगा आगा ता। तो अब हम इनसे बनाने वाले हैं चटनी, आपको दिखाते हैं, आ जाओ। ये नेचुरल चटनी बनाने के लिए हम पश्तो इसमें पश्तो में इसको चटनी बोलते हैं, ठीक है। अब कड़े मत नहीं करके असल के दिन बूटा कहले देखे ना ये मिर्च हो गई और टमाटर हो गई है। अब जो है इसको पीसते हैं, आराम आराम से पीसना पड़ेगा, ये काम बहुत सुकून का है, आराम से करना पड़ेगा, जूसर वूसर यहाँ पे नहीं मिलता है। और इसका जो मज़ा है ना, उन लोगों से पूछिए जो ये करते हैं, उन लोग कहते नहीं ये जूसर में करते, इसका मज़ा टेस्ट कर लो, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। अभी ये जो है सही से पीस नहीं हो रहा, इसी वजह से हम इसको ऐसे जो है काट देंगे, ठीक है, ये हटा देंगे और ये हम ऐसे ओके। यहाँ पे किचन मिचन सही शुरू है और दाखो सिरावन रसी अर्जी की गंदी हुई। हाँ हम चिकन को किचन बोलते हैं, उधर हवा आ रही थी इसी वजह से नीचे रख दिया। ओहो
सही है जी। زکنا بل چرت پیدا کا ما اونتے ملنگ چرت پیدا کا السلام علیکم جوړ پکې ډېر ډېر مننه پښور دې سلارې مروړې ځان پره بھائی صاحب وہاں پہ دور ایک لڑکا اشارہ کرتا کہ آپ کے لیے چائے ہے دے نو دیٹ آئی لو چائے ہم نے چائے کا سامان نہیں لے کے آیا تھا میرا دل کر رہا تھا چائے کا سامان لے کے آؤں لیکن یہاں پہ جان پہچان والے مل گئے کہتے ہیں چائے لے لو ہمارے ساتھ ایک ٹک ٹاک بناؤ میں نے کہا چائے دے دو ٹک ٹاک کے ہم پوری جان دے دیں گے اب یہ کراس کرنا پڑے گا یار میرے جو تین چار پانچ ہیٹرز ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہیٹرز آپ کے لیے کچھ دکھاتا ہوں پانی کے اندر یہ دیکھو عمر بھائی ذرا کھول کے دکھاؤ ہو گئے ہیں 15-20 منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم او مائی گاڈ تھوڑا فل دکھاؤ کتنا ٹائم باقی ہے جی جی ویری گڈ صحیح ہے سمجھ گیا شکیل بھائی کتنا ٹائم رہتا ہے ابھی 10 منٹ اور لگیں گے اور 10 منٹ بس پھر اس کے بعد کینا پہ ڈیٹ شکیلا ڈرون شاٹ ہاں اس کو بول دیا ڈرون شاٹ تو گائز بس تقریباً 1.5 گھنٹہ ہونے کے بعد عمر بھائی کھلے مریب ہو گئے پروگرام اس کا بھی کینسل بھی ہوا تھا پھر بھی نو پرابلم باقی ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے اور ابھی جو ہے کھانے والے ہیں تو میں اسپیشل چٹنی ہے وہ یہ ہے اس کو اس طرح اٹھائیں گے مبشر پتر مزہ آیا چکن لیگ پیس پیپسی مت واچ اور کتنا Thank you.
नो। ये अभी तुमने अभी नए नए बनाए हैं, कितना खर्चा हुआ इस पे? 2.5 लाख। ये चरस पी रहा था उस दिन क्या उसने जो एक्सीडेंट किया था? हाँ, अभी इसने नया बनाए हैं माशाल्लाह, 2.5 लाख उसने खर्च किए, बाल बाल बच गया था, तो अभी इसने नया ये बनाया था। अंकल कौन कौन सी आइसक्रीम है? ये 50 वाला कोई दे दे। चॉकलेट में कप में? चॉकलेट कप, चॉकलेट में ये। हाँ ये, थैंक यू। बच अच्छा नूरबाली, लर लर। चलो शकील भाई बैठो। तो पब्लिक, आप लोगों ने व्लॉग एंजॉय किया होगा और हमें आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपको इस व्लॉग में क्या सबसे अच्छा लगा और आपने क्या सजेस्ट करना है कि मेडल भाई हम नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग ये करें, ये ना करें, ये ऐड कर लें, ये ऐसा करें। सो मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे व्लॉग में कुछ ऐसे ढूंढेंगे जो कि मैं नेक्स्ट टाइम ना करूँ वो गलती शल्दी। सो आई विल बी वेटिंग। और हाँ, अगर इस व्लॉग पर हमारे 5,000 लाइक आ गए तो हम एक दूसरा भी ब्लॉग, ऐसी ब्लॉग बनाएंगे। सो जिसने वीडियो लाइक नहीं है कि वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब मार दें और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग या फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ सो जाइए। अल्लाह हाफिज़।